राधे राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस सुबह की गुड मॉर्निंग और शुरू हो गए हैं हमारे किचन के काम। और औरत की मुलाकात सीधा किचन में ही होती है। तो यहाँ पे जो रात का दूध बचा था वो मैंने रख दिया, क्योंकि मैं दही लगाऊंगी। और यहाँ पे आ गया है दूध, तो वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पे आलू थोड़े से उबाले हैं और मैंने ये भिंडी भी निकाल के रख ली, इनको भी मैं धो लेती हूँ लंच के लिए, क्योंकि लंच में लंच भी बनाना है और आज है दिन संडे। तो बाल वगैरह खूब ऑयल मैंने डाल रखा है रात में, तो बस बाल वगैरह भी धोने हैं। तो चलिए लगते हैं अपने घर के कामों में, फटाफट करते हैं। कैसे भाग रहे हैं, इन्होंने ये अपना घर बना लिया है। ओहो, इतनी गंद मचा रखी है। पानी फेंकी नहीं, पूजा को साइड से चले। यही है जी मैडक, सारे बहुत दिन तुमने रह लिया है, अब जाओ इस घर से निकलो। चलो मैडक, देखो देखो तुम्हारे फ्रेंड है। देव को बचपन में ना मैडक बहुत पसंद होते। फ्रॉक फ्रॉक मम्मा फ्रॉक, जाओ हेलो कर लो फ्रॉक से। हेलो अंदर। हेलो, बड़े ध्यान से मैडम देख रही। आ जाएगा, देख लीजिए भाई कितने मैडम ये रोज निकलते थे, रोज गंद मचाते थे। ये काम हमारे हाथ, मेरे बस का तो था नहीं, ये काम तो यही कर सकते थे। हरी 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 कहते हैं हरी। और यहाँ कोई बैठक नहीं है तब पर यो इनकी पोटी में ही डाल दियो। संडे का दिन व्यस्त रहता है पति देव का। अभी नीचे सफाई पड़ी हुई है, अभी उनको सारे मैडक वैडक उन्होंने बाहर निकाल के और सब फेंक आए हैं। अब आ गई गेहूं की बारी। तो दोस्तों यही संडे का, संडे लोग घूमने फिरने जाते हैं, हमारे यहाँ संडे को ये सब काम होते हैं, क्योंकि इनको कभी कभी टाइम मिलता है। ये सब हमारे बस की तो है नहीं है, गेहूँ गेहूँ निकालना। ये देखो आराम से पैर वैर बचा के संडे को कितना भी कोई सोचे कि काम ना निकाले, वो निकाली है संडे को काम। संडे को होती है डीपली सफाई, ये वाली जो सफाई होता है जो अकेले तो भाई लेडीज कर नहीं सकते, इसमें चाहिए हेल्प पति देव की। तो बस मैंने नहा लिया है, घर के सारे काम हो गए हैं। और मंदिर देखिए, मंदिर की हालत
थोड़ी गंदी हो गई है, तो बस अब मैं जा रही हूँ मंदिर की साफ सफाई करने। तो चलिए मंदिर की, ये देखिए बैलून अभी भी पड़े हुए हैं और गंदा हो गया क्योंकि इन्होंने की पूजा। पहले तो मैं ये फ्रूट वगैरह उठा लेती हूँ। ये है ना मेरे अनार के, ओ जो बाहर अनार का पेड़ लगा हुआ है ना, उसके हैं ये। चलिए ये सारा कुछ मैं समेट के और फिर भगवान की करूंगी पूजा। यहाँ पे ये कपड़े भी ऐसे तह लगे रखे हुए हैं, इनको उठा के रखना है। दाल चढ़ा देती हूँ और भिंडी मैंने काट के रख ली है। मैंने सोचा पहले पूजा करने के पहले ना दाल चढ़ा देती हूँ, तब तक दाल बनेगी तब तक पूजा हो जाएगी। क्योंकि आज तो ना थोड़ी सी देर हो गई। तो दाल बस मैंने चढ़ा दी है, तो बस मैं इसके, मैंने सोचा कि जब तक मैं पूजा वगैरह करूँगी तब तक दाल बन जाएगी, और या पूजा करने के बाद फिर दाल चढ़ाऊँगी तो फिर वो टाइम, फिर टाइम और ज़्यादा लगेगा खाना, लंच बनाने में। तो जब पूजा, बस पूजा के लिए ये मैंने नया साबुन निकाला है, और ये साबुन सच में इतना अच्छा है। जो विम आता है ना वो तो कभी जैसे बहुत गलता भी है और बर्तनों में ना कभी कभी चिपटा सा रह जाता है। ये वाला जो है ना साबुन येलो कलर का, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं है इसका, ये ना उससे मॉल से शायद लेके आए थे। बहुत अच्छा साबुन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और गलता भी कम है, और खुशबू तो इतनी बढ़िया है, और बर्तनों में तो बिल्कुल शाइनिंग अलग आ रही है बर्तनों में, और मतलब चिपटता नहीं है बर्तनों में। कभी कभी जैसे विम ना रह ही जाता है कितना भी आप धो बर्तन, कभी कभी बर्तनों में आपने देखा होगा अगर आप विम से बर्तन मांजते हैं तो वो रह ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली बर्तन धुल गए हैं, तो बस मैं जाऊँगी या पूजा करने, और पूजा करने से पहले अभी मुझे मंदिर की साफ़ सफाई करनी है, मतलब पोछा वगैरह लगाना है। तो बस यहाँ मैं आ गई पोछा लेके, और पंखा मैंने, फैन मतलब मैंने ऑन कर दिया, तो मैं बस लगा लेती हूँ पोछा। बस पूजा करके मैं आ गई सीधा किचन में, क्योंकि लंच बनाना है। तो दाल बन गई है फाइनली, और बस मैंने कढ़ाई उठा ली है, तो साथ में मैं भिंडी की सब्जी छौंकूंगी और चावल बनेगा, और रोटी देखूंगी अगर जब कोई खाएगा तो रोटी बना दूंगी। लाइटर हो गया खराब, चलो अरे खराब हो गया। तो वैसे मैं माचिस से ही जला रही थी, इतनी सारी तीलियां पड़ी एकदम से चलने लगा। दाल बन गई है, तो मैं भिंडी की सब्जी छौंक देती हूँ। मेथी हींग से तड़का लगाऊंगी। थोड़ी सी मैंने रात में पीती थी।
और भिंडी की सब्जी दाल चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको भिंडी की सब्जी के साथ क्या अच्छा लगता है, दाल चावल अच्छा लगता है कि भिंडी की सब्जी के साथ पराठा पूड़ी क्या अच्छा लगता है, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो भिंडी की सब्जी मैंने छोंक दी है और यहाँ पे मैं प्लेट एक के बाद एक ट्राई करे जा रही हूँ। डिसाइड कर लूँ कि घड़ी में ध्यान जाएगा, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, फिर वो काम क्यों करो जिससे आज हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तुम टाइम दिखने तो आता नहीं है, वो तो नंबर वाली होगी, तो सीख ही ले। सृष्टि तो ऐसी चिल्लाई जैसे घर में आग लग गई हो। ऐसे लग जाती होता है कि वो होटलों में से तड़का लगाते हैं, ऐसे आग ही लग जाती क्या? सब्जी बन गई, दाल राइस बनने वाले हैं, लंच हो गया तैयार। सब्जी बन गई, दाल बन गई, राइस बनने वाले हैं और दोस्तों हो गया लंच तैयार। तो बस लंच बनके तैयार हो गया है, मैंने सिस्टी पीहू और इनको सबको खाना दे दिया है, तो बस लास्ट में मैं भी अपनी थाली लगा लेती हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, सिंपल सा लंच है, दाल है, चावल है और भिंडी है, और जो अरहर की दाल होती है ना, मुझे वो करी पत्ता से छोंक के ना बड़ी टेस्टी लगती है। तो आज की दाल का तड़का भी काफ़ी देखा आपने, बहुत ही अच्छा वाला लगा था। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।